तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको मुरादाबाद में भी देखने को मिल जाएंगी। मतदाता जो है बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंच रहे हैं। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित मिशन इंटर कॉलेज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। तो बता दें कि मुरादाबाद नगर निगम में 2 नगर निगम और 8 नगर पंचायतों के 9,47,670 मतदाताओं के हाथ में 2,000 से अधिक प्रत्याशियों की राजनीतिक तकदीर है। शाम 6 बजे तक चलने वाले मतदान को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष कराने के लिए जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों के अलावा राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक भी निगरानी कर रहे हैं। तो मुरादाबाद की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। मताधिकार का इस्तेमाल किया, किसी आम वोटर की तरह लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया है। मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी यही वोटर से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनिए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास की जो रफ्तार है उसमें आपका एक वोट जो है काफी निर्णायक हो सकता है। ऐसे में अपने घर से निकलिए, मताधिकार का जरूर प्रयोग करिए। संविधान नीचे कर लो, लोकतंत्र में ही हमें ये अधिकार देता है। अरे एबीपी का आईडी हटाओ भाई। हम अपने मतदान के द्वारा, अपने पसंद के लोगों के द्वारा, अपने जो हमारा विचार है उसके आधार पर अपने प्रदेश की, देश की सरकारों का चयन करें। देश में संघीय ढांचा है और संघीय ढांचे में राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है और नगरों की और गांव की सरकार। तो आज नगरों की सरकार के लिए पूरे प्रदेश भर में प्रथम चरण में मतदान है। मैंने भी मुरादाबाद में मतदान किया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ा है और पिछली बार भी प्रदेश की महान जनता ने बहुत आशीर्वाद इसने दिया। इस बार भी अपने एजेंडे के साथ डेवलपमेंट, सुरक्षा का हमारा एजेंडा है, उस विषय को हमारे लेकर सभी वरिष्ठ नेता प्रदेश की महान जनता के बीच में गए हैं, आग्रह किया, निवेदन किया भाजपा के पक्ष में।